सर्किट किया जाता है कि झारखंड सरकार के निर्देशानुसार 31 मार्च तक सभी दुकानें राशन दुकान मेडिकल फल दुकान सब्जी दुकान को छोड़ के बाकी सभी दुकानें बंद रहेगी और संभव है तो अपने अपने घर में बने रहे ये लॉकडाउन जो है पूरी तरह से आम लोग समझ नहीं पा रहे आखिर क्या है ये लॉकडाउन। आप कोरोना वायरस के मद्देनजर एहतियात के तौर पे सरकार झारखंड सरकार के द्वारा ये कदम उठाया गया है जिसके तहत 31 मार्च तक सभी प्रकार के दुकान एक्सेप्ट दवाई दुकान किराना का दुकान जहां पर कि चावल दाल मिलता है और सब्जी की दुकान को छोड़कर बाकी सारे दुकानें रेस्टोरेंट इत्यादि बंद रहेंगे और उसके साथ धारा 144 लागू किया गया है जिसके तहत पांच से अधिक व्यक्ति को एक स्थान पे जमा नहीं होना है। कोई भी धार्मिक सांस्कृतिक या खेलकूद का जो भी कार्यक्रम है उसको अनुमति नहीं दिया गया है, उसको निषेध किया गया है ताकि लोग कोरोना के वायरस से बच सके। लोगों को आपके माध्यम से हम आग्रह कर रहे हैं कि लोग अपने घर पे रहे, अनावश्यक इधर उधर नहीं घूमे और कोरोना को फैलने से बचे। होमगार्ड में चूंकि 4 साल में जो रक्षकों का बॉन्ड होता है उसी तरह कोटा में भी बॉन्ड हो रहा है जिसका 16 से 25 तक बॉन्ड प्रक्रिया का रखा है। लोग जो कि पूरे जिले के सुदूर इलाकों से आके निरक्षकों ने अपना कार्यालय में बॉन्ड भर रहा है। जब पूरे महामारी कोरोना का महामारी है तो मैं उपायुक्त कोटा पुलिस अधीक्षक महोदय कोटा और राज्य सरकार से भी मांग करूंगा तत्काल इसको बंद करके इसका तिथि को आगे बढ़ाया जाए। मनोज कुशवाहा प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष होमगार्ड एसोसिएशन झारखंड।